हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, इस स्टॉक का नाम है KNR Constructions Limited। कंपनी ने कल को गाइस अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किए थे और रिजल्ट के बाद आज हमें 290 रुपीज के लेवल से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक में हमें 325 इस तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले हैं, जिसके चलते स्टॉक में गाइस आज हमें 8% तक की रैली देखने को मिल रही है। और इसके साथ स्टॉक के वॉल्यूम्स में हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिली है। 22 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में आज जुड़ता हुआ दिखाई दे, जो कि गाइस पिछले 4 मंथ में कभी भी देखने को नहीं मिले थे। अब इसके बाद स्टॉक में गाइस 350 रुपीज के लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। स्टॉक अगर इस रेंज को ब्रेक कर जाता है तो गाइस इसके बाद हमें स्टॉक के प्रीवियस हाई तक के टारगेट जल्द देखने को मिलने वाले हैं गाइस, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करे स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, जिसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें। स्टॉक में न्यू हाई रिकॉर्ड करने के बाद अगस्त के मंथ में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसके चलते 3 मंथ के बीच में स्टॉक में गाइस हमें 275 रुपीज के लेवल तक गिरावट देखने को मिल चुकी थी। और इस लेवल पर स्टॉक गाइस 10 डेज से ऊपर हो चुका है, सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिजल्ट के बाद आज स्टॉक में 290 रुपीज के लेवल से ओपनिंग देखने को मिली गैप अप, जिसके बाद स्टॉक में हमें 325 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल चुके हैं। अब इसके बाद रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर में रहेगा गाइस हमारे लिए 360 रुपीज का लेवल रहेगा, जिस रेंज को अगर स्टॉक ब्रेक कर जाता है तो इसके बाद स्टॉक के प्रीवियस हाई तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और जिसको यहाँ पर स्टॉक के गाइस करंट प्राइस से लेकर ऊपर में लॉ पोजीशन टूल की मदद से अपने टारगेट देखे तो गाइस हमें 18% से लेकर ऊपर में 35% तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के प्रीवियस हाई तक। और इसमें गाइस अपने स्टॉप लॉस की बात करें, वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस इसका सपोर्ट लेवल बनता है गाइस, जो कि लॉन्ग आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस घटा कर रखेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आया है 280 रुपीज का लेवल आया है, और यह देखिए गाइस 8% के करीब बैठ रहा है। फर्स्ट टारगेट के हिसाब से गाइस हमारा रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड काफी शानदार बैठ रहा है 2:1 का। तो यह थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट लेवल इस स्टॉक में गाइस। अब जल्दी हमें आने वाले दिनों में 360 रुपीज से लेकर ऊपर में 415 रुपीज तक के लेवल 1 वीक से लेकर 8 वीक्स के बीच में देखने को मिल सकते हैं। मे भी हमें 4 वीक्स के बीच में ही यह लेवल देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड स्टॉक में छोटा सा ऐसे लगाकर 8.5% का स्टॉक में आने वाले दिनों में 16% से लेकर ऊपर में 35% तक के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाए सकते। और स्टॉक में जो गाइस हमारी एनालिसिस है, आने वाले 4 वीक से लेकर 8 वीक के बीच में हमें यह लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।